यदि हमें ज्यादा सम करने होते तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 6 ले सकते हैं, बाद में अंडर रूट 10 भी पूछा जा सकता है, बाद में अंडर रूट 17 भी पूछा जा सकता है। ये सारे सम है जिसको एग्जाम के बीच हो सकते हैं क्वेश्चन। अंडर रूट 6 यानी कि क्या होता है? अंडर रूट 6 यानी कि आपको यहाँ पे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू 1 लेने का, यानी कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर। एनीबडी टेल्स व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द अंडर रूट 5? अंडर रूट 5 का क्या स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है, बोलो क्रिंच। क्या सर? क्रीम अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। याद रखने का होता है 5 + 6, तो अंडर रूट 6 मिल गया। अंडर रूट 10 यदि आपको फाइंड आउट करना है तो क्या लेने का, 3 और 1, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 10 मिलेगा। अंडर रूट 17 फाइंड आउट करने का आता है क्वेश्चन, तो उसमें क्या करने का, ए साइड 4 लेने की, क्या लेने की, एक साइड 4 लेने, एक साइड 1 लेने की। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस ए 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 16 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 17। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि अंडर रूट 10, सॉरी यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, अंडर रूट 20 पूछा जाए, तो अंडर रूट 20 के लिए आप कौन सी साइड फाइंड आउट करोगे, 4 और 2 क्या लेंगे, एक साइड 4 लेंगे एक साइड 2 लेंगे। तो देखो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर टू का 16 एंड 2 का स्क्वायर 4। सिक्सटीन प्लस 4 यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, अंडर 20। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया हाउ यस सर, टू फाइंड द वैल्यू यस ऑफ, सर, हमें कैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 उसकी पेयर कैसे बनानी, वो हम लोगों ने समझा। बट अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह से करना है वो अभी हम देख रहे हैं। ठीक, ये क्लियर यस हुआ ना सर, सबको? यस सर, हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हमें ये √3 है, √3 √2 को कैसे बनाना है, तो आपको √2 लाने के लिए आपको क्या करने का, ट्रायंगल की जो दो साइड होती है, ओके, एक को इसको 1 सेंटीमीटर लो और इसको भी 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे, तो आपको ये जो एसी मिलेगा वो एसी की लेंथ होगी वो क्या होगी, √2 होगी। क्या होगी, √2 होगी। देन आफ्टर ए √3 लाने के लिए क्या करने का, आपको √2, एक ए लाइन है वो √2 की बनाने की, कितने, √2 की लेंथ की, और ये जो ऊपर वाली लाइन है वो उसका 1 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ लेने का है। क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर। देन आफ्टर जो आपको हाइपोटेन्यूस होगी वो क्या बनेगी आपकी, ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम वो क्या होती है कि √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 + 1 यानी कि √3 मिलेगा। और √5 वाला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीक में भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 + 1 वैसे इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमारा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप लोगों को रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन,
अंडर रूट टू को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो अंडर रूट टू को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए अंडर रूट टू को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन एक्स एक्स डैश, ओके, एक्स एक्स डैश एक नंबर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा, रिप्रेजेंट अंडर रूट टू ऑन नंबर लाइन, ओके, ड्रॉ लाइन एक्स एक्स डैश के, यहाँ पे एक एक्स एक्स डैश लाइन नंबर लाइन ड्रॉ करता है। यहाँ पे आप कहीं पे जीरो ले लो, क्या ले लो, जीरो, और जीरो को नॉर्मली हम क्या ओरिजिन पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से ओ से वन वन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, वन सेंटीमीटर पर आप वन लो, टू सेंटीमीटर पर टू लो, ओके। बाद में आपको क्या करना है अभी कि आपने जो ऐसे वन टू और थ्री तक दे दो और यहाँ पे इस साइड माइनस वन पे जाने दो, ओके। अब आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम समझाया कि आपको अंडर रूट टू के लिए क्या चाहिए, अंडर रूट टू के लिए जो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे पहले हम जो आपको ड्रॉ करना है वो क्या करना है, ड्रो, ओके, बाद में सेकेंड स्टेप में होगा ड्रो यहाँ पे, ओके, ओ ए, ड्रो ओ ए इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर, या तो वन यूनिट लेते हैं, क्या लेते हैं, वन यूनिट, वन सेंटीमीटर, आपको मेजरमेंट वन सेंटीमीटर रखना है, बट यहाँ पे वन सेंटीमीटर की लाइन यानी कि ओ से ए तक यानी कि वन तक ड्रो करने की, एंड ड्रॉ ए बी, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल टू वन सेंटीमीटर वन यूनिट, और ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, यानी कि यहां से जो आपके आपको बोला था ना कि आप प्रोटेक्टर से यहाँ पे 90 डिग्री हुए ना, ओके, उस तरह से यहाँ पे ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी, ओके, ओ से ये वन यूनिट का था और ए ए से बी का भी वन यूनिट है, ओके, ये सब क्या है, वन यूनिट ही है, ओके, ये वन यूनिट है। अब क्या करना है कि ओ बी को ज्वाइंट करो, क्या करो, ओ बी को ज्वाइंट करें, और क्या होता है, ज्वाइन ओ बी। अब यहाँ पे ये दो ये स्टेप थे वो आपको समझने के लिए थे, ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, ना यहाँ पे लिखोगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा, और बाकी तो समझने की जरूरत के लिए है। बाद में यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल एट ए, ए ए पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल है, और ओ बी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ बी की लेंथ कितनी होगी, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओके, ये ओ ए की लेंथ कितनी है, वन है, ये ओ बी की, ए बी की लेंथ कितनी है, वन है, ये वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो वन स्क्वायर क्या होगा, तो वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस ए बी वन है तो उसका स्क्वायर भी वन होगा, तो वन प्लस वन टू, तो ये अंडर रूट टू बन गया। ये OB की लेंथ कितनी है, अंडर रूट टू। अब आपके पास जो राउंडर है यानी कि जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है
उसका यूज करके आपको क्या करना है, ऐसे लाइन दोगा, ये ओ को सेंटर लेना है एंड ये ओ भी जितनी रेडियस लेनी है, ओके टेक सेंटर ओ, ये सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी, ओके ओ बी की रेडियस लेकर आपको आर्क लगाने यहाँ पे, यानी कि ये डोटेड आपको आर्क लगाने, और ये जहां पे हमारी मेन लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम क्या देना है, बी डैश देना है, क्या देना है रहेगा, बी डैश ड्रॉ आर्क, एंड इंटरसेक्ट एट बी डैश, कौन से पॉइंट पर, बी डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और जो ओ बी डैश की लेंथ होगी वो कितनी होगी, ओ बी की लेंथ जितना ही होगा तो ओ बी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट टू होगा, क्या होगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको जो हम क्या वन अपॉन टू सॉरी ऐसे नंबर लाइन के ऊपर वन जहां पर होता है वन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का, तो वन के ऊपर ऐसे करें तो यहाँ पे अंडर रूट टू होता है, के बी डैश यानी कि अंडर रूट टू, या तो आप ऐसा एरो करके यहाँ पे ऐसा इंडिकेट कर अंडर रूट टू, ओके तो आपके आंसर अंडर रूट टू नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे कम्प्लीट होता है।